दिल्ली पुलिस पत्थरबाज 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 दिल्ली पुलिस पत्थरबाज 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 दिल्ली पुलिस पत्थरबाज 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 के अंदर जो है पत्थर रखे हुए हैं पत्थर रखे नीचे आओ पर टाइम पूरा हो गया 5 बज गए ये पत्थर तो बताओ क्यों रखे हैं मीडिया को बताओ अरे लो इसका जवाब कोई पत्थर नहीं रख पा अरे क्या कोई पत्थर नहीं है हमें वीडियो है ये नहीं वीडियो इनकी वीडियो है चलो मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेडिंग के अंदर जो है मोटे मोटे पत्थर रखे हुए हैं ये देख सकते हैं आप लोग एक एक बंदा देख सकते हैं वे वीडियो के माध्यम से देखो ऐसे ही हमारे लोगों को भड़काकर ऐसे ही हमारे लोगों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि पत्थर हम मार रहे हैं पत्थर हमारे लोग मारते हैं मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ये पत्थर अगर देख सकते हैं आप लोग ये दिल्ली पुलिस का बैरिकेडिंग है और ये सारे जवान खड़े हुए हैं मगर मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं ये पत्थर यहाँ क्या कर रहे हैं ये कम पड़ गई क्या ये जब ये लाठी गोली की सरकार बहुत थी तो उसके बाद अब ये पत्थरों की सरकार आ गई है आप लोग देख सकते हैं और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कि यहाँ पे पत्थर क्यों रख रखे हैं दिल्ली पुलिस शर्म करो यहाँ पे ये पत्थर रख रखे हैं यहाँ पे जैसे कि आपने देखा सभी राज्यों में और बताया गया कि मुस्लिम साथियों ने दलित साथियों ने जो है पत्थरबाजी करती है आप देख सकते हो ये पत्थर यहाँ पे रखे हुए हैं और ये पूछना चाहता हूँ मैं दिल्ली पुलिस के आलाकमान अधिकारी जो यहाँ पे जो नियुक्त हैं कि वह बताएं कि यहाँ पे ये पत्थर किसके लिए रख रखे हैं ये पत्थर ये किस काम के लिए रख रखे हैं बताएं आप लोग ये पत्थर किसके लिए रखे हुए हैं यहाँ पे बताएं जनाब आप लोग ये पत्थर क्यों रखे हुए हैं यहाँ पे ये लोग देख सकते हो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है कि ये पत्थर रखे हैं तो किसके लिए रखे हुए हैं ये पत्थर बताएं किसके लिए रखे हुए हैं या फिर इसमें से थोड़ा देर होने के बाद हमारे ऊपर एक पत्थर मार के अपने साथी के अपने आप मार के और फिर ये बताएंगे कि इन लोगों ने पत्थरबाजी करी है ये बताएं ये क्लियर करें ये लोग कि यहाँ पे ये पत्थर क्यों रखे हैं देखिए आप देख सकते हैं सामने भी आला अधिकारी खड़े हुए हैं और इसकी कंप्लेंट हम लोग आगे तक करेंगे ये पत्थर यहाँ रखे हैं तो क्यों रखे हैं यहाँ पे ये रखे बैरिकेडिंग के अंदर और फिर हमारे ही निर्दोष साथियों जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उनको जेल में भेजने का काम करेंगे ये लोग अरे लाठी गोली की सरकार साथियों आप देख सकते हो इतने बुजदिल ना बनो जो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उनको आप लोग पत्थरबाजी करके उनको जो है फिर उन पे आरोप लगाएंगे आप लोग कि इन लोगों ने पत्थरबाजी करी हमारे लोगों का सरफाड़ा इससे पूछिए आपको पूछना होगा आपका काम है आप इससे लोकतंत्र का जो है चौथा स्तंभ हो आपको बताना होगा और पूछना होगा पुलिस से जाके इनके आला अधिकारियों से जाके कि क्यों यहाँ पे पत्थर पाए गए क्यों पत्थर रखे गए इसी बात से मगर मैं ये कह देना चाहता हूँ अरे जरा पत्थर क्यों रोक रहे हो बंदूकों में गोली है जो आपको ये आपको चाटने के लिए थोड़ी दी गई है गोलियां मारो खड़े बाबा साहब के बच्चे यहाँ पे हम विरोध करते हैं सीए का हम विरोध करते हैं एनआरसी का हम विरोध करते हैं मोदी सरकार का जो ये मनुवादियों की सरकार है लाठी गोलियों की सरकार है इसको इस देश का कोई युवा नहीं सहेगा इस बात को कोई युवा नहीं सहेगा और ये देख सकते हो आप लोग मीडिया सवाल करे इनसे मीडिया पूछे इनसे पत्थर किस लिए है क्योंकि तुम्हारी पुलिस खड़ी है तुम्हारे ही लोग खड़े हैं और उन बैरिकेडिंग्स के अंदर पत्थर पाए गए हैं और आला अधिकारी जो है उसका जवाब नहीं दे रहे आपका भी जो है ये जिम्मेदारी बनती है कि आप वहां पे जाके पूछें उनके आला अधिकारियों से पूछें और इसके बारे में खबर चलाएं कि दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है पत्थर वहां पाए गए हैं और आज जो आए लोग साथी धन्यवाद अगर चंद्रशेखर साहब को जल्द से जल्द 4 दिन के अंदर अगर छोड़ा नहीं गया तो यकीन दिलाता हूं मैं आपको जुम्मे की नमाज से हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जय भीम जय भीम।